विधानसभा ने पेटा चूंटणी नो शंखरात वागी चुक्यो छे त्यारे बन्ने राजकीय पक्षों द्वारा चूंटणी जीतवा माटे एडी चोटी नो जोर पण लगावी देवामां आव्युं छे अने स्टार प्रचारक बैठक पर जईने जाहेर सभाओ पण गजवी रह्या छे। आजे गुजरात मुख्य प्रधान विजय रूपाणी ने प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल बन्ने एक मंच पर उपस्थित रहा था। लीमड़ी विधानसभा बैठक पर भाजपा उम्मीदवार किर्तसिंह राणा समर्थन में जाहिर सभा आयोजन कर तरह सीएमए कांग्रेस पार्टी पर आकरा प्रहारों वरसाव्या था। तेमणे जणाव्यु छे के समग्र देश में कांग्रेस तूटी गई है और डूबी गई है। कांग्रेस एमएलए राजीनामा कारण चूंटणी योजवी पड़ी है। कांग्रेस खेडूत विरोधी सतत रही है। तेमना शासन समय खेडूतो पर गोळीबार थया था अने समग्र गुजरात में 8 विधानसभा की बैठक पर भाजपा विजय थशे तेवो विश्वास व्यक्त कर्यो छे। बीजी बाजू सी आर पाटिले गुजरात सीएम विजय रूपाणी बदलवाना छे ते मुद्दे प्रतिक्रिया आपता जणाव्यु हतुं के कांग्रेस जूथवाद फैलावे छे, आपणे सीएम रूपाणी छे अने ए ज रहेवाना छे। આ ચૂંટણી એ સરકાર કરતી નથી, આ ચૂંટણી એ કેન્દ્રનો ચૂંટણી પંચ, ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા આ ચૂંટણી કરે છે અને આ ચૂંટણી એકલી ગુજરાતની 8 નથી। ગુજરાતમાં ચૂંટણી છે, મધ્યપ્રદેશમાં ચૂંટણી છે, उत्तर प्रदेश में चूंटणी छे, बिहार नी तो तमाम बैठकों 240 बैठक बिहार नी त्यां पण चूंटणी छे। एनो मतलब चूंटणी पंच आ निर्णय करे छे। भारत नु चूंटणी पंच एने पण घणी विचारणा करी परंतु बंधारणीय रीते फरजियात के 5 वर्ष पूरा था एटले चूंटणी करवी ज पड़े, एने वधाराय नहीं, एवो बंधारणनो नियम छे। अने जे सीट खाली पड़ी होय ए सीटनी चूंटणी पण 6 महिनामां कर देवी पड़े, एटला माटे आ चूंटणी थई रही छे। अमेरिकामां पण कोरोना छे, त्यां पण प्रेसिडेंटनी चूंटणी चाली रही छे। गया वक्त एक बोलते ही कांग्रेस ना उम्मीदवार ने तमे जिताड्यो, एना परिणामो पण तमे भोग्या, ए भाई फरक्या ज नहीं, कोई दिवस कोई ना सुख दुख में उभा रहा नहीं, कोई दिवस आ विस्तार की चिंता नहीं करी, ये तो कांग्रेस नहीं आज प्रकारे काम करवानी पद्धति छे। भ्रम उभो करो, लोगों ने भ्रमित करीने मत मेळवो અને મત થયા પછી તમે ગાયબ થઈ જાઓ, અને એટલા જ માટે ધીમે ધીમે આખા દેશમાંથી કોંગ્રેસ જે લુપ્ત થઈ એનું મુખ્ય કારણ આ કોંગ્રેસે પોતે વિશ્વાસ લોકોનો ગુમાવ્યો છે। પણ હવે જે સ્થિતિ છે, હવે તો કોંગ્રેસીઓએ પણ પોતાનો વિશ્વાસ ગુમાવી દીધો છે। કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય નેતા હોય કે પ્રદેશના નેતા હોય, એમનામાં હવે કોંગ્રેસના કોઈ કાર્યકર્તા કે ધારાસભ્યોને વિશ્વાસ થયો નથી।